राम जी सारिया ने, एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है भाई। फिलहाल बैठे हूँ खेत में, और खेत में जो आपके दिल में खुशी मिलेगी बैठ के, वह शायद ही किसी और जगह पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत है। आप किसी भी टाइम खेत में आओ, ज़्यादातर अच्छा रहेगा सवेरे, या खेत में आप किसी भी टाइम आओगे आपने बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, क्योंकि यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत है। धीरे धीरे साए साए हवा चल रही है, चारों तरफ हरियाली है, शोर शराबे से बिल्कुल दूर, दुनियादारी से बिल्कुल दूर। थोड़ी बार बैठ कर देखो, दिल ने बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, हर चीज़ से दूर होकर। भड़क टेंशन तो ज़िंदगी में चलती रहे, वहीं इनका तो कोमेट्रे नहीं, लेकिन दिल को खुश करना भी बहुत ज़रूरी है भाई। तो आप खेत में आकर देखो, बैठ के देखो थोड़ी देर, बिल्कुल आपने अलग ही तरह का महसूस होगा। वीडियो फिलहाल लेट होगी भाई, वीडियो बैक टू बैक आंदी रहूँगी। वीडियो ना आने का एक कारण था, जनवरी में थोड़ी बारिश ज़्यादा चल गई, और बारिश चलने के कारण और ठंड बढ़ गई, जिस कारण से तब भी थोड़ी डाउन होगी। फिलहाल हर घर में बुखार चल रहा है, और दवाई टाइम पर लेते रहो, क्योंकि उसे बुखार की तरह दोबारा हो गया है, जैसे कि डेंगू बुखार हो गया था कि बहुत ज़्यादा, तो वही दिक्कत है, दोबारा खांसी जुकाम बुखार की हो रही है, इस करके वीडियो लेट हो गई थी। वीडियो आंदी रहूँगी भाई, वीडियो का टाइम ज़रूर निकालेंगे, आपका प्यार इसी तरह बने रहो है। और फिलहाल आप खेत का नज़ारा देखो, खेत की तस्वीर कुछ ऐसी है, ये देखो भाई, चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। वो देखो सरसों वहाँ पे, और इस साइड भी सरसों है, ये अलग तो सरसों बो रखी है भाई। कितना प्यारा नज़ारा, सुंदर नज़ारा, कितने बढ़िया लागे हैं फूल, वाह जी वाह। ये अगले महीने में फरवरी में ये फूल झड़न लग जाऊंगे इसके सारे। हमारी साइड में सरसों कम है, बोवे हैं लोग, घर घर जोगी बोवे हैं, वैसे बेचने खातर नहीं बोंदे, ज़्यादातर सरसों में राजस्थान में देखने में मिला है। बारिश होने के बाद प्लेटी के हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं भाई, बिल्कुल कुएं खुदे पड़े हैं, बड़ो तो बगिया चलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। ये देखो दूर क्यों दूर ऐसे है, पानी भी खड़े आगे, तो देखिए कितने डूंगे डूंगे हैं। या खड़ी अपनी साइकिल भाई, चलेंगे गरकन। ये रजवाया है भाई, फिलहाल पानी नहीं आ रहा, जरूरत भी कौन है, बारिश ज़्यादा हो रही है। यो सरफाबाद वाली नहर मत आवा है अपने खेतों में, यो नलका है भाई, इन नलका पानी पीते हैं आप, स्वच्छ पेयजल, शुद्ध जल। आत्मा तृप्त होगी शुद्ध जल पी के, नलका पानी पीना चाहिए भाई, कुछ नहीं देना रूरो में। यह अपनी खुलासी है भाई, बद्रो भी कहते हैं इन्हें, ड्रेन भी कहते हैं। यह देखो साइकिलिंग करनी बहुत जरूरी है भाई, सेहत के लिए लाभदायक है। बाकी मैं मन घने दिन में चलाई है, सावे झटके घने बजाते, तो सारी ने चलानी चाहिए, बहुत बढ़िया है। यो रास्ता गया सुवाणा माल ने, यो सीधा आ गया बागड़ू, और ये अपने गांव का स्कूल है भाई, राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, छोटा स्कूल है। यो भोलेनाथ जी का मंदिर है भाई, जय शिव शंकर। और ये आ गया अपना गांव,
ये वीडियो आप अजीत चैल व्लॉग चैनल पर देख रहे हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। और ये अपना स्कूलर राजकीय उच्च विद्यालय बागडुकला जींद।